नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। राजधानी जयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। जयपुर शहर में बंदूक की नोक पर करीब 2.25 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी की लूट का मामला सामने आया है। जयपुर शहर निवासी सुनील यादव ने जयपुर के करनी विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि बदमाशों ने बंदूक की नोक पर करीब 2.25 करोड़ रुपए लूट लिए। पीड़ित ने बताया कि उसे योगेश यादव ने फोन कर एक लोकेशन पर बुलाया और 5 लाख रुपए की मांग की। रुपए ना देने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद 10-15 युवक आए एवं सुनील यादव को उठाए और गाड़ी में डालकर मारपीट की। साथ ही जयपुर के अलग अलग स्थानों पर घुमाया एवं गाड़ी में ही कनपटी पिस्तौल तान दी एवं क्रिप्टो वॉलेट का ओटीपी मांगने लगे। सुनील यादव ने दहशत में बदमाशों को ओटीपी दे दी। सुरेंद्र यादव, योगेश यादव, मार्शल जाट, मुकेश खड़ोदिया और रवि ने करीब 2.25 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी एक अज्ञात अकाउंट में ट्रांसफर कर दी एवं कई खाली स्टाम्प पेपर्स पर हस्ताक्षर करवा दिए गए।